बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जुहैब खुशखाब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुहैब अली व्लॉग्स। आज अभी मैं नींद से उठा हूँ और मौसम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त लगा पड़ा है। सो आज हम जा रहे हैं दादू मोरो पुल पे, दादू मोरो पुल भी दिखाएंगे जो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। वो मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। अभी हम आए हैं यहाँ से बाइक उठाने, बाइक लेके सीधा जाएंगे पंचर वाले के पास, पंचर लगा के फिर जाते हैं मोरो पुल और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पंचर हमारा लग गया है, उसमें टायर ये फिट होगा, उसके बाद हम जाएंगे सीधा मोरो पुल। अभी मैं बैठा हूँ एक गाड़ियों का मैकेनिक का दुकान है वहाँ पे, ये साथ में बड़ी छोटी सी मार्केट है, ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे। और भी दोस्त आने वाले हैं, उसके साथ हम जाएंगे सीधा मोरो पुल। ये भाई भाई आए स्पेशली हैदराबाद से दादू मोरो पुल घूमने, और ये सैयद फरक शाह, शहजाद शाह और अरसलान तईम साहब अभी जा रहे हैं सीधा मोरो पुल और यहाँ पे खड़े हैं और बाइक के इंतज़ार में, बाइक आई नहीं लेकिन बाइक के इंतज़ार में खड़े हैं, सामने से आ रही है। जैब साहब के लिए तो आता है अवेलेबल, दादू मोरो पुल में। अच्छा, सही 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 सही, दादू मोरो पुल। अभी हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हम आए पेट्रोल डलवाने, और ये मेरे साथ गुजारा, ये पेट्रोल पर आ गए हैं सामने पेट्रोल डलवाने। Oh, oh, oh.
बड़ी खुआरी के बाद हम मोरो पुल पे पहुंच गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पुल है, लेकिन ये खस्ता हाल की शिकार है। ये देखिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रेनोवेट किया जाए और इसको और मोरो के बीच में सामने दादू का रास्ता है और ये मेरे पीछे जो है मोरो का रास्ता है। और यहाँ पे जो है ना बड़ी ये यहाँ पे पहले लाइट लगी हुई होती थी, तो इसमें रात को जो है ना ये सारी पुल जो है ना ये रात को रोशनी होती थी यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा सुकून था, अब वो नहीं है। ये देखें ना खस्ता हाल लगा पड़ा है यहाँ पे और यहाँ के रोड रास्ते सारे जो है गंदे लगे पड़े। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और सामने छोटा सा मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं, कश्ती पे भी चढ़ते हैं और छोटा सा मेला लगा हुआ है वहाँ पे भी जाते हैं, आपको एंजॉय करवाते हैं। अभी यहाँ पे आ गए हैं और नीचे जाते हैं और ये इसकी मोरो पुल की तख्ती लगी हुई है, दरियाए सिंध दादू मोरो पुल। बाइक का रास्ता है वो यहाँ से नीचे और हम यहाँ से जा रहे हैं अभी ख्याल से। अभी नीचे आ गए हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है और ये सामने लोग यहाँ पे चक्कर खा रहे हैं इस पे कश्ती पे। मोरो पुल से नीचे आ गए, यहाँ से खड़े हैं और ये अपना फोटो निकाल रहे हैं और मैं अपना व्लॉग कर रहा हूँ। ये पूरी आवाम आई हुई है यहाँ पे, मेला भी लगा हुआ है, ये कश्ती भी सामने चल रही है, लेकिन कश्ती में लेडीज़ बैठी है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। जिसमें भी मर्द बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और लेडीज़ की नहीं करता, क्योंकि आपको पता है। तो ये सामने सिंधु दरिया और ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है सिंधु दरिया। इसमें देखें ना यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन पहले इस यहाँ पर पानी होता था, लेकिन अब पानी नहीं है। अब इसको जो है ना पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान पंजाब ने अपना पानी रोक दिया है और सिंध को पानी नहीं दे रहा अपने हिस्से का। तो ये भी हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि पंजाब गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप हमें अपना पानी दे दें, ऐसे ना करें, हमारे हिस्से का तो पानी दो, कम से कम हमारे हिस्से का जो पानी है वो तो दो। पंजाब गवर्नमेंट पानी नहीं छोड़ती सिंध में और ये सिंधु दरिया लद्दाख इंडिया से होता होता सीधा सिंधु दरिया सिंध में आता है, उसके बाद यहाँ जामशोरो कोटड़ी हैदराबाद सीधा। भाई क्या कर रहे हो इस पानी में? एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना तो लागी था एंजॉय ना हो जाए। फिर यहाँ पे काफ़ी बंदे डूब गए हैं, थोड़ा ख्याल और होशियारी से। वो कश्ती देखें कितनी तेज़ आ रही है, क्योंकि पानी का जो बहाव है ना वो यहाँ से पानी सीधा जा रहा है, कश्ती कितनी तेज़ आ रही है देखो। ये तो लहरें हैं, लहरें हैं ये दरिया की। अच्छा। ये भी बारिश का पानी है, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा पानी बंद करके रखा है। चलिए पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा पानी हमारे हिस्से का तो पानी दो, कम से कम हम वो तो इस्तेमाल करें ना, पापा हमारा पानी छोड़ दें और ये दरिया जो है ना भर जाए तो फिर हमारे जो फसल जो भी है ना वो अच्छे होंगे। नहीं भेजेंगे तो फिर हमारे सिंध में वैसे भी खुशहाली इतनी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। खुशहाली नहीं है तो आबादी नहीं होगी ना, पानी पे ही हमारा गुजारा होता है। अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपको क्या कर सकें। ये देखें ये दरिया की हालत है, दरिया होते ही जो है ना दरिया की दहशत होती है। ये देखें ये पानी नहीं, ये बरसात का पानी है। कश्ती पे बैठेगा उसको 100 रुपया ले रहे हैं, एक मंथ में पहले आया था तो 50 ले रहे थे, इतनी महंगाई हो गई है कि ये भी 100 रुपया ले रहे हैं और यहाँ से बस घुमा के लेके और यहाँ से उतारते हैं और जो कश्ती का जो है मज़ा ही नहीं आ रहा। जो लेडीज़ को लेके जा रहे हैं ना वो सामने देख रहे हैं ना वहाँ पे लेके जाते हैं, तो हम मर्दों से ये नहीं अच्छा सुनते।
ना उकसाती है, ये अच्छा सलूक नहीं, हमसे छोड़ क्या लेते हैं और यहाँ पे घुमा देकर यहाँ पे उतरते हैं। और जो लेडीज हैं उनको वो सामने देख रहे हैं ना, वो सामने लेके जा रहे हैं और हम तो यहाँ खड़े हैं, अभी देखते हैं मूड बनता है तो हम भी चढ़ेंगे इस कश्ती में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। वो यहाँ तक रास्ता ये देखे कमीने की हालत देखे, ये मुझे मट्टी लगा रहा है कमीना, यहाँ पे मुझे मट्टी उठा के ले जाए। परे दे परे दे। कपड़ा किंदा देन कसम दी माँ ओए 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 छद बस बस हरकत थी बस पूरी थी आना आने आना अरे न कर वे एलर्जी आ मिट्टी में वे, अरे अगे तबियत खराब आ वे सही वे अला एलर्जी आ मिट्टी में बीमार थी पवन छ सही अरे मोबाइल ही बंद थी भाई मेरे से। भी ऊपर आ गए और जा रहे हैं सामने, आपको सामने के भी व्यू दिखा भाई मेरा भी नहीं बना ले। ये मेरा दोस्त है भाई, खैरियत है ना भाई, मन गाड़ी के आज बदतमीजी की आपने, इतनी मट्टी लगाई है मेरे कपड़े कोई चप्पल नहीं करने के घूमने के एंजॉय तो बनता है, एंजॉय बनता है बस थोड़ा मिट्टी में थोड़ी मुझे है मसला है, मिट्टी दोस्तों के साथ निकलोगे तो एलर्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए मिट्टी से, एलर्जी अगर मस्ती करते हैं जाना तो इस मिट्टी में अल्लाह खैर करेगा, जाते सीधा समते खुदाए जो आके न सारो एक बेरो जिंदगी ने लरी मुहले जिंदगी में वडी मो दिखारे कसम ते तान जो। वाह जो आवाज सही, आवाज इसकी जबरदस्त है, आवाज माशाल्लाह बेहतरीन आवाज है। कपड़े छपड़े मेरे गंदे हो गए हैं और अभी ऊपर जा रहे हैं पुल पे, मेरे व्लॉग तो देखती होगी हाँ हाँ ना, मुझे फेसबुक पे तो लाइक करती है यार, आईडी कौन सी है तो भी नहीं बता रहा है ऐसे तो होगा ना ऐसे कामों में ऐसे नहीं होता है। बंदी आपकी है लेकिन लाइक मुझे करती है वो भी फेसबुक पे, ऐसे लाइक नहीं फेसबुक पे, ये फेसबुक पे तुझे लाइक करती है तो वो अपने पर में खुश हो रहा है कि तुझे लाइक, वैसे मैं कुछ नहीं हो रहा कि मेरी गलत जी एफ है या कुछ है वो नहीं मसला, वो जी एफ नहीं है मेरी वाइफ है। अच्छा फिर बात सही है यार, सही। तो कब शादी कर रहे हो? सब कुछ राजी है, उसका बाप नहीं मान रहा। बाप भी राजी होगा, वो तो वही तो बात है। मैं करूं राजी इसको, मैं राजी करूं।
अभी तू इसको बोलेगा ये तो रखेगा अपने चैनल पे रखेगा। हाँ। अब उसको पता चल जाएगा। हाँ। अभी ये भी गारंटी नहीं है कि वो देखे कि नहीं देखे। मैंने देखेगी वो बोलेगी कि वो तू और बंदों की क्यों बोल रहे थे ना ले हो मेरे बारे में बंदों मेरे बारे में तू बोल रहा है कि मैं तेरी वाइफ हूँ। हाँ। तो वाइफ तो है ना फिर इसमें झूठ बोलने की बात तो नहीं है ना। वो तो मुझे पता है ना उसको नहीं मालूम है ना। वो लड़की को मालूम नहीं लड़की को मालूम है कि मैं उसको वाइफ बोलता हूँ। हाँ। वो नहीं बोलती आपको मेरा शोहर है आप। अब तू बता अपना चैनल पे वीडियो बना रहा है कि मेरी हिस्ट्री निकाल रहा है। तेरी हिस्ट्री निकालूं तो पता भी चले ना थोड़ा। अभी ऊपर आ गए और यहाँ पे अपने व्लॉग को करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त वे कुछ को दीजिए इजाजत। साथ सलामत सुन सलामत अल्लाह हाफिज़।